हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजनी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बेस्ट फैक्ट फेयर पे। आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, चलिए कैंडिडेट से जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। कितने अटैम्प्ट किया आपने? मैंने नेगेटिव मार्क नहीं थे इसलिए 150, पूरा 150 ही किया नेगेटिव मार्क। पूरा कर दिया ना? हाँ जी, हाँ जी। मैथ से कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा आया था? रीजनिंग भी सही था, थोड़ा करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा था, करंट अफेयर थोड़ी मुश्किल थे। मैथ से कैलकुलेशन या फिर स्टैटिक्स से? इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, ठीक था पेपर। कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मतलब ये क्वेश्चन आया? हर एक पार्ट से यार। मैथ्स का सबसे ज़्यादा, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, और बोर्ड मार्क्स सबसे ज़्यादा आया था। कोरोना से कोई ये था क्वेश्चन था क्या? कोरोना से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ज़्यादातर इंटरनेशनल करंट अफेयर ज़्यादा पूछी गई है। इंटरनेशनल इसी साल से? हाँ जी हाँ। और जो कंप्यूटर पूछा गया है वो 2019 MS Excel ज़्यादा पूछा गया। अच्छा, ये AI से कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं नहीं, AI से कोई क्वेश्चन नहीं आया। कंप्यूटर से था, बता रहा हूँ। उसमें 2019 के जो MS Excel आया उससे ही रिलेटेड सारे शॉर्ट की थे। अच्छा, इनपुट आउटपुट वगैरह? इनपुट बस एक पूछा था उन्होंने, बस एक ही क्वेश्चन था आउटपुट का। कोई साइंस से क्वेश्चन? साइंस का एक क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने कोई नाड़ी पूछी हुई थी, इतना ध्यान नहीं है, एक क्वेश्चन था। एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन? एग्रीकल्चर से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ये डिफेंस लाइन से कोई क्वेश्चन है? डिफेंस लाइन से भी नहीं था, और बाकी जैसे पंजाबी थी और इंग्लिश नॉर्मल ये थी। कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा था और ठीक था, करंट अफेयर ज़्यादा थी, GK भी इतनी ज़्यादा, मतलब अपना हिस्ट्री वगैरह, इंडियन पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे, बस और तो ज़्यादा नहीं था। राज्यसभा लोकसभा से सब कुछ? राज्यसभा से शायद एक क्वेश्चन था, याद नहीं है मेरे को, उन्होंने कुछ राज्यसभा में स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। अच्छा, ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ? नहीं मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ नहीं आया था ना ज़्यादा। कोई योजना करके? योजना कोई नहीं पूछी किसी टाइप का भी नहीं? नहीं नहीं, योजना कोई नहीं थी, मतलब उन्होंने ज़्यादातर करंट अफेयर जैसे पूछी थी, एक स्पोर्ट्स से भी पूछी थी करंट अफेयर, और एक स्पोर्ट्स से पूछी थी, इतना और यार ध्यान नहीं है, मतलब करंट अफेयर थोड़ी ज़्यादा थी। ऑलराउंड कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ठीक था, पेपर सही था, मतलब अटैम्प्ट के हिसाब से 150 में से 80+। कितने अटैम्प्ट? ऑलमोस्ट सारे के सारे अटैम्प्ट कर लिए आपने? कितने सारे? नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं थी, पंजाबी जी दिन से पंजाबी जी बोल दें। कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगा कि ये मॉडरेट है? मतलब सारे ऑलमोस्ट उन्होंने की किया मिक्सचर पाया उसी क्वेश्चन का, एवं नहीं कह सकते आप भी किसी एक टॉपिक न टारगेट किया हुआ सी, सारे बराबर ही सी। कोई कंप्रीहेंशन करके कोई क्वेश्चन था? कंप्रीहेंशन हाँ सी, एक पंजाबी दे विच भी कंप्रीहेंशन आया हुआ सीगा, लॉजिकल सी थोड़ा जा, ते अपना इंग्लिश दे विच भी कंप्रीहेंशन आया हुआ सीगा, ते उदे विच थोड़ा ग्रामेटिकल एरर पूछ ले सीगे कंप्रीहेंशन दे विच। ट्रांसलेशन वगैरह था? ट्रांसलेशन आया सी, 2 क्वेश्चन सी ट्रांसलेट दे। हाँ जी हाँ जी। कोई योजना करके जैसे स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल से? सेंट्रल लेवल से यही क्वेश्चन सी, 2 क्वेश्चन सी, करंट अफेयर जो सी 6 के क्वेश्चन सी करंट अफेयर के। कोई याद है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन हूँ तो दिमाग आया नहीं। करंट अफेयर किस टाइप का था? करंट अफेयर के अपना जड़ियाँ ओलंपिक्स हुई ने, ओलंपिक्स के एक क्वेश्चन सी करंट अफेयर का भी किने क्वालीफाई किया ओलंपिक के समथिंग, ठीक है। तो केड़ी कोई मतलब पैरा 2024 में कोई ओलंपिक्स होने हैं उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? 2024 के गेम ऐड की गई है ओलंपिक के, पोलो क्रिकेट समथिंग इदा ऑप्शन सी। 2021 के IPL है जरा, वो केड़ी टीम ने नेम चेंज किया अपना, इदा के क्वेश्चन आए थे, मतलब ठीक सी, मॉडरेट सी, ईजी तो मॉडरेट कह सकते हैं पेपर में। अभी जो पार्लियामेंट में जो लीडर चेंज हुए हैं उस सबसे कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं नहीं, लीडर चेंज नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ जी, कोई पार्लियामेंट से या फिर कोई भी चीज़ का मतलब पॉलिटी के पॉलिटी पाए हुए 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी के सके, थोड़े जे पर एवं नहीं भी बाली सौखी सी, जिन्हें चज नाल पढ़ी होगी है ना उही क्वेश्चन आंसर दे सकता है। जियोग्राफी से कुछ नहीं? जियोग्राफी के नहीं, ऑलमोस्ट कुछ नहीं, टाइप हुण मैनूं याद नहीं हैगा, ठीक है। बीज वगैरह पुछे हुए सी उन्होंने अपने हाई एड बीज सीगे जिहड़े 1938-40 दे विच कौन लेके आया सी, इदां कुछ सीगा क्वेश्चन। अच्छा, ये जो है क्या बोलते इसको फुल फॉर्म वगैरह कुछ पूछा गया था? नहीं नहीं, फुल फॉर्म VPN दी फुल फॉर्म पूछी हुई सी उन्होंने, VPN दी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सी ओदी फुल फॉर्म सी, बस होर कोई फुल फॉर्म वगैरह नहीं सी। कोई सोशल मीडिया से?
ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਥੇ ਉਸ ਮੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਲਾਇਕ ਥਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੋ ਕਾ ਸਹੀ ਹੋਆ ਹੋਗਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਥਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਥਾ ਅੱਛਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਤੇ ਹੈ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਥ ਸੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਥੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁਆ ਥਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਥ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਮੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਟੈਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕੌਨ ਸੇ ਚੈਪਟਰ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਥਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਐਚਸੀਐਫ ਵਗੈਰਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸੀਮਲ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਸਭ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਲੈਵਲ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੌਨ ਸੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਥਸ ਆ ਸਕਦੇ ਉਸਮੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਮੈਥਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ 12th ਜਾਂ 10th ਤੱਕ ਹਾਂ 10th ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ 10th ਤੱਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਕੋ ਅੱਛਾ ਸੋ ਕਰ ਹਾਂ 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 ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਉਸਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਪਰ ਲੈਂਥੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਮਤਲਬ 10th 12th ਤੱਕ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਲੱਗੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਜੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਥਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਥਸ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਨੈਸਟਲੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਥ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਥਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰੱਖਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ 5 ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਦਿਆ ਹੁਆ ਥਾ ਕੁਛ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਥਾ ਉਸਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਬਸ ਉਸਕੋ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸਕੇ अच्छा क्या लगता है कि मतलब इंग्लिश जो है वो लगभग बच्चे बना लिए मतलब कैंडिडेट बना लिए होंगे बना ली होगी इंग्लिश आराम नाल क्योंकि एडी भी टिपिकल नहीं सी इंग्लिश भी किसी तो ना बने जो थोड़ा डिफिकल्ट कौन से मतलब सब्जेक्ट थे लगभग लगा होगा आप लोग को कंप्यूटर और जीके थी थोड़ी कंप्यूटर हां कंप्यूटर था उसमें सिर्फ 2019 के एमएस एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे थे शॉर्ट केस अपने पीछे पड़ा हुआ अब 2019 एमएस एक्सेल आया नया उसके बारे में ज्यादा उन्होंने पूछा हुआ वैसे कितना मतलब कट ऑफ जा सकता है ऑल अराउंड कट ऑफ ऑलमोस्ट जाएगी 110 तो उत्ते जाएगी वो पक्का 110 जाएंगे पोस्टा भी कटने ते नाल इहदा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हैगी तां उत्ते बहुत इफेक्ट पवेगा नेगेटिव मार्किंग दा तां जाऊ 110 उत्ते जाऊगी 100 तो 100 110 इन्नी की जाऊगी 110 तो उत्ते जाऊगी कट ऑफ वैसे आप लोग कैसा गया एग्जाम वधिया गया कोई माड़ा नहीं गया क्या लग रहा है आप लोग आजू का नाम 90% सबका अच्छा ही होगा पेपर 10% कुछ होंगे जिनको मतलब टफ लगा होगा बाकी 90% तो ठीक रहा पेपर आप लोग का सारे वीडियो थोड़े देखते हैं एक्चुअली पता लगता ना भी लोग कितना पेपर दे के हैं की रिएक्शन होती है बंदा उस हिसाब नाल अपनी प्रेपरेशन उस हिसाब नाल उस मोड़ पर ले जाता भी हाँ इदा नहीं इदा पढ़ना चाहिए तो थोनू भी बधाई भी तुम अपने इस चीज़ को अगे लैके जा रहे हैं भी हाँ सबनों पता लगे तो अपने तुम सबसक्राइबर भी बधाए इस चीज़ को लैके क्या लगता है मतलब ये अच्छा चीज़ है मतलब करना आगे अच्छा रहेगा एक्चुअली सोशल मीडिया का वधिया यूज सोशल मीडिया का इन्फॉर्मेशन जा रही है बच्चों को कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे पेपर आ रहा है एग्जाम आ रहा है तो उनको हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा और उनको पता लगेगा कि कैसे एग्जाम हो रहा है एक्चुअली इनू बोलते हैं सोशल मीडिया का चंगा फायदा चुकना है ना ये होंगे सोशल मीडिया ऐसे ही क्वेश्चन था एक मतलब सोशल मीडिया के आपको क्या बेनिफिट हो रहे हैं उसमें यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है मतलब ये रिव्यू लेना मतलब हम लोग के लिए डिफिकल्टी हो जा रही है मतलब ये ऐसा भी कुछ नहीं, है नहीं, नहीं, फिर जे किसी नु एक्चुअली लगता भी थोनू रिव्यू देख के पता लगता भी हाँ औखा आ रहा पेपर सौखा रहा तुम देखो ही ना रिव्यू एक्चुअली तुम अपनी प्रेपरेशन पूरी उदा ही रखो ना लगन ये चीज़ तो हेल्पफुल है बच्चों के लिए अब आगे भी एग्जाम होने अब इसके बाद हेड कॉन्स्टेबल का भी एग्जाम है तो हमें तो अच्छी है हमारे हमें फायदा हुआ है कैसा एग्जाम आया तो 17 को एग्जाम है तो हमें कुछ पता लगा कि पेपर कैसा आ रहा है चलो पेपर देना गया पुराना पढ़िया होया हूँ बंदा फोकस करके पढ़ूगा हाँ 2019 ध्यान पढ़ना चाहिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2-4 नंबर का फर्क पै सकता है जो अभी जो एग्जाम देने वाले हैं अभी भी जो होने वाले हैं उनको मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे क्या पढ़ना चाहिए ज़्यादातर
कुछ नहीं, जिन्ना को पढ़िया उन्होंने बस चज नाल रिवाइज करो रज के, और कुछ एक्सट्रा उक्सट्रा करने की लड़ नहीं हैगी बाली, ठीक है अपना तो पॉजिटिव रहो, बाला कोई चक्कर चक्कर वाली गल है नहीं अपना, तो आराम खुश होकर एग्जाम दो स्ट्रैस फ्री होकर। कोई सब्जेक्ट रिलेटेड? सब्जेक्ट रिलेटेड थोड़ा सा कंप्यूटर मॉडरेट है, थोड़ा कंप्यूटर ज़्यादा ध्यान दे, जैसे एम एक्स वगैरह अगर पूछ रहे हैं 219 का, जैसे मतलब उस पर ज़्यादा शॉर्ट कीज ज़्यादा पूछ रहे हैं, शॉर्ट कीज पे ज़्यादा ध्यान दे बच्चे तो ज़्यादा फायदा है। ठीक है, इसी तरह के एग्जाम रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।